हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों? हाँ। तो ठंड हो रही है दोस्तों यहाँ पर, वैसे तो धूप भी बहुत अच्छी लग रखी है पर ठंड ज्यादा हो गई, पहाड़ों में ठंड स्टार्ट हो गई है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से, और मेरी तैयारी हो रही है शादी में जाने की, मतलब वहाँ पे भात खाने के लिए बोल रखा है। शादी तो कल हो गई थी जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो अभी हम जा रहे हैं भात खाने के लिए। हम मतलब सिर्फ मैं जा रही हूँ और बाकी गाँव के भी जा रहे हैं और लोग, क्योंकि मवार बोल रखा है, तो मवार में सिर्फ एक इंसान जाता है। भोज में ऐसा होता है कि पूरा परिवार जाता है, मतलब पूरी फैमिली के लिए बोला रहता है, तो मम्मी रहेगी घर पे, मैं चलती हूँ भात खाने के लिए। ठीक है दादा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मंदिर में, और यहाँ पे हमें बिन्नी दीदी यानी कि अब तो चाची हो गई हैं, चाची जी मिल गई हैं। कैसा लग रहा था हमारे गांव में? पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको शादी की, धन्यवाद। और अब तो हमारे गाँव में, और मोनिका, मोनिका भी मिल गई यहाँ पे। हेलो, हेलो जी, क्या हाल है? आप तो रिश्तेदार हो गई, वही तो मौसी हो गई मेरी। अब ये मेरी भांजी है, ठीक है, ढंग से रहना, क्योंकि चाची की बहन हो गई, ये मेरी चाची लगती है, और ये चाची की बहन। जब भी मिलेगी इसको बोल देना कि मेरे साथ तमीज से पेश आए, अब वो चीज सब चीजें नहीं चलेगी, अब दोस्ती नहीं चलेगी, अब दोस्ती नहीं चलेगी, पहले रिश्ते, अब रिश्तेदारी में छूना है, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। और यहाँ पे चाचा जी भी, चाचा जी को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे हेलो, 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 कैसे हो? और ये चाची के लड़के हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यूके के ब्लॉगर ना? अच्छा, ये भी नए नए ब्लॉगर हैं, सूरज जी, यूके, इनको भी सपोर्ट करना। न्यू बिगनर, हेलो 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 हेलो। यहाँ पे सब रतुड़ा गांव के पहुंचे हुए हैं, फोटो शूट वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे। मौसी, मौसी क्या कर रहे हैं? मौसी जी बोल, मौसी जी, व्यूज मांग, व्यूज, व्यूज मांग, व्यूज, 10 करोड़ बचाना, जमे मांग लड़ी। मेरे को चाहिए बहुत अच्छा लड़का, हाँ, विद अ गुड पैकेज, सुशील, सुंदर सुशील, मेरी तरह, हाँ, कामकाजी, मेहनती, हाँ, जितनी कामकाजी तू है, हाँ, जितनी कामकाजी तू है, हाँ, मेरे से भी ज्यादा, हाँ, और मोटे ताजे भी हमारी तरह चाहिए, हाँ, जमनी चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं भात खाने के लिए कांडी गाँव में, हमारे गाँव से थोड़ा दूर है, मतलब मैंने सच में आज अच्छा लड़का मांगा हुआ है वहाँ, मन्नत पूरी होती है, देखते हैं कि जल्दी होती है कि नहीं। मोटा ताजा भी मांगा हुआ है। मैंने कहा भगवान, मेरे पास जो चॉइसेस हैं उनकी, मैं दो तीन हैं जो उनमें से मुझे चुनने की चॉइस रखी हुई है, मतलब मतलब नहीं, जो रिश्ते आ रखे हैं, अच्छा, मतलब तो ठीक ही, हमको पता भी नहीं है कौन है उनमें से, किसके साथ जाना है, मतलब कौन बेहतर होगा, वो चुनने की बुद्धि देना, इतनी बुद्धि देना कि अच्छा लड़का मिल पाए। तो चलते हैं अभी, चलो चलो, बियो लो पर्स, कक्ष लोड़ी, ये बधंदो लच रे, तो खुने पर्स खुजा पर्स, वित्त मंत्री तू वाली आज, मैं वो चाहिए, हाँ, दो दिन से मैं हूँ, सारा मंत्रालय मेरे पास है। ब्योली को लग गई यहाँ पे खतरनाक वाली भूख, तो हरी सब्जी में रोटी खा रहे हैं यहाँ पे, हमारी चाची जी यहाँ पे आ रहे हैं। हेलो, तो रिश्तेदार लगते हैं ना ब्योली के, इसीलिए ऐसे चलता है रिश्तेदारी में। और इनकी वजह से आज थोड़ा मेरी भी खरीदारी हो रही है, चाय हो रही है, चाय भी नहीं पी, चाय पीने के लिए बुला रहे हो पहली बार। ऐसा होता है अपने गांव में। क्या घर भी देख लिया, हाँ, घर भी देख लिया, आ सकने देख रखा था। यहाँ पे हमारे चाचा जी भी आ गए हैं एज अ फोटोग्राफर। हेलो, बहुत ही शानदार वाली है, तो चाचा जी भी ब्लॉग देखते रहते हैं, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है 2003। हाँ, तो यहाँ पे देखो सब मेहमान लोग, यहाँ पे चाय पानी हो गया सबका। चाचा नहीं पील चा, अरे नहीं पीने, अरे नहीं पीने, हम गो अवेगी ना, पहुंच गए हैं दुल्हन और दूल्हे के घर पे, यहाँ पे और नीचे चल रहा है सबका भोजन, कुछ इस तरह पहाड़ों में खाना खाते लाइन पे बैठ के, और यहाँ पे रसोड़ा है नीचे। हेलो हेलो ब्रदर, ठीक ठाक, रेगुलर व्यूअर है, छेचनी झूठ तो नहीं बोलो, झूठ क्या बन देख ले, भात खा बैठे झूठ लोगों ने की है ना, उत्तराखंड वाली, चोर 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 चोर, उत्तराखंड वाली, ठीक है, ये चोर चोरी के लेकर नहीं, सामने सामने चोरी नहीं, यहाँ पे चोर आ गए, चोर आ गए, अब तो वैसे भी रिश्तेदार हो गए, अब तो हक से निकालेगी। हम भी आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए, और ये देखो ये रतुड़ा वाले संतरे चोर, संतरे चोर चोर के, सब कुछ देखा है, संतरे नहीं देखा, मेरी मौसी है ये, संतरा जी, संतरा चोर मौसी। और बगल में दुल्हन भी बैठी हुई है, दुल्हा और दुल्हन दोनों गप्पे मार रहे हैं, तो आज ऐसा रिवाज होता है, मतलब लाइन पे बैठ, तो मैं भी कौन लाइन पे बैठी, खान पर भी होता है, नरे ब्योगा का दिन क्या, ब्योगा बाद बोलो, मैं ब्यो से पहले ना, हाँ, तो ऐसा रिवाज होता है लाइन पे बैठ के खाना होता है, अमेरिका में आया था मैं, ब्योली तो बोलू लो मैं, तू सर आता, मैं बोल देती थोड़ी बोलो, ब्योली तो बोलू, ये दुल्हन, हेलो, कैसा लग रहा था,
ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲੈਣ ਪਾ ਖਾਣ ਵਾ ਖੂਬ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੋਲਾ ਮਾਰੇ ਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੋਲਾ ਮਾਰ अभी यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया है, दाल भात सब्जी और चोरा हुआ संतरा। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे लाइन पे खाने के लिए, पंडित जी बांट रहे हैं खाना। तो दोस्तों यहाँ पे सब दुल्हन को देखने आ रहे हैं अभी, ये देखो। और जो ये छोटा बच्चा है ना, वो बोलेगा बिन्नी दीदी को दादी, दादी भी बन गए, इसीलिए तो शादी करने से डर लग रहा है। इतनी जल्दी दादी बन जाएंगे हम लोग भी। बोला बना इतना तो नहीं बेगिन बैठे तब बना तो भैया बुढ़े ना तो लगी बैठी क्या 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 याद होनी है तो याद करना वरना मैं झेल वाला। ये होता है स्ट्रगल एक दुल्हन का, कितना कष्ट हो रहा है आपको। नस फटने वाली, 3 बजे से पहले नहीं पहुंची तो टाइगर हमारे गांव का टाइगर है। यहाँ पे बच्चा पार्टी पूरी, बच्चा पार्टी, दुल्हन दुल्हन के बुरे हाल हो गए, चूड़ा बहुत ज्यादा टाइट हो गया, ये देखो नस दब गई पूरी की पूरी। जल्दी से जल्दी दुल्हन को घर पहुँचाओ, मैं तो बुरा हाल भेजा लबुन। तो दोस्तों हमारे गांव में बामणों की कमी हो गई थी, तो इसलिए हमने सिलोड़ी बामण को बुलाया और यहाँ पे सबको भात दाल बांट रहे हैं। ये देख लो पंडित जी, पंडित जी जरा हम दब जाओ भात। सेम बामण लगनी मोनिका, सेम बामण लगनी। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आए ना अभी, तो इनको भूख लग गई, तो सारे बच्चे यहाँ पे भात खा रहे हैं और हमारे पंडित जी बांट रहे हैं भात। पंडित जी ठीक ठाक, पंडित जी आवा बहुत बिजी हुआ है। गगरू भी ठीक पर फाइनली अभी ससुराल से विदाई दुल्हन की मायके की तरफ, और मायके जाने की खुशी देखो। चलिए चलिए चलिए, खुशी खुशी खुशी। चाची कितनी खुशी हो रही, खुशी कितनी हो रही पहले ये बताओ, बयान नहीं कर सकते। और सासू जी भी आ रहे हैं छोड़ने के लिए। चलो तब बुआरे छोड़ जानो मन, आ जाओ। तो दोस्तों अभी फाइनली मेरी भी विदाई हो गई यहाँ से, और चाची भी जाने लगे। पहले मैं दीदी बोलती थी इनको, लेकिन अब रिश्ता लग गया चाची, तो बहुत खुशी हो रही होगी ना अभी जाने की। कल आते टाइम लगेगा बुरा। कब से बोल रहे थे कि जाना है, लेकिन ऐसे होता है जब ससुराल शुरू शुरू में तो बुरा लगता ही है, और आगे से ये। हेलो मैडम, ओ बम यौन मौसी, मौसी जी, मौसी बाय बाय, ठीक है बस। हाँ शाम शाम को जैसे खुद लगेगी सीधे फोन करना, हमारे घर पे पहुंच जाना, ठीक है। चलो तो और मौसी हाँ नंबर भी दूंगी। हाँ भांजी अपना ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है मौसी, ज्यादा डबडब डबडब नहीं करना। हाँ मौसी, और ढंग से रहना। अब गिफ्ट कब लाओगे मौसी? नहीं 50 रुपए जो मिले ना, इसको संभाल के रखना। इनकी वजह से आज मुझे भी लिफाफा मिल गया। वैसे मैं गाँव की थी, मुझे मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन इनके साथ बैठी हुई थी शॉर्ट्स और में, मुझे मेरी भी कमाई हो गई 50 रुपए की। मौसी हाँ, आज आपको ना अपने गांव का कॉफी दिखाएंगे, ठीक है मौसी? ठीक है ठीक है, तुम कुछ खाओगे क्या? नहीं मौसी, क्यों क्यों नहीं खाओगे? ये मौसी तुम भी खाएंगे? ये मौसी कम भांजे ज्यादा लग रही है, भांजे वाले एक्टिंग कर रही है। आप बड़े हो, ठीक है? अच्छा ठीक है मौसी, मैं हूँ बच्चा, कुछ खाएंगे, मैं भांजी हूँ, बच्चा कुछ खाएंगे ना, खाएगा। मिल लेना एक ड्रेस लेके आना, ठीक है? ठीक है। हाँ फ्रॉक, हाँ फ्रॉक बाबा, हाँ बाबा लाना, ठीक है। तो अभी मंदिर में कॉफी चल ही रहा है, सब लोग आ रखे हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहीं पे जा रहे हैं कॉफी देखने के लिए। यहाँ पे दुल्हन की मुलाकात हो गई है मम्मी से, बहुत सुंदर है, बधाई हो आपको बहुत बहुत। हाँ तो दुल्हन भी पहुँच गई है कॉफी देखने के लिए। और यहाँ देखो नीचे कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, सब लोग आ रखे हैं कॉफी देखने के लिए। ओ चाची बाय बाय, बाय 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 मौसी। तो दोस्तों मैं अभी आ गई हूँ अपने घर पे, और सुबह चली गई थी मैं लगभग 10:30 बजे चली गई थी, जब वो लोग मंदिर में आ रखे थे। उसके बाद मैं उनके साथ ही चले गई थी, मतलब बिन्नी चाची लोगों के घर पे ही चले गई थी, फिर वहीं पे खाना खुना खाया, फिर बैठे रहे। और वहाँ पे सच में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था यार, एक डंडी भी नहीं आ रही थी मैसेज करने के लिए, ना ही कॉल करने के लिए। तो इसी बहाने खूब सारी गप्पे लग गए हमारे, अगर फ़ोन में नेटवर्क रहता ना, सब ने अपने अपने फ़ोनों में लगे रहना था, तो नेटवर्क नहीं था, इस वजह से सब ने अपने फ़ोन साइड रखे हुए थे, सब गप्पे मार रहे थे। और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि दोस्तों से मिलना भी बहुत टाइम बाद हुआ, तो अच्छा लगता है बीच बीच में ना दोस्तों से मिलके, मूड भी फ्रेश हो जाता है, काफ़ी सारे बातें शेयर हो जाती हैं। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, और शाम के लगभग बज गए हैं, 5:30 बज गए होंगे, देखो अंधेरा भी बस होने ही वाला है, और शाम का नज़ारा कुछ इस तरह दिख रहा है गाँव का।
तो बस अंधेरा होते ही फिर वही डेली का रूटीन, डिनर की तैयारी करनी है। और मम्मी लगी हुई है नीचे टोर वगैरह साफ करने पे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। और घर के सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है हमारा। अभी मैं अपने ऊपर वाले छत में आ रखी हूँ, तो चलते हैं अभी नीचे थोड़ी देर में, थोड़ा घूमती हूँ यहाँ पे। घूमा तो नहीं जा रहा वैसे क्योंकि ठंड बढ़ गई है, गर्मियों में सही रहता है हवा हवा चलती है, लेकिन अब सर्दी स्टार्ट हो गई तो छत में भी नहीं रहा जा रहा ज़्यादा। तो चलते हैं नीचे, खाने पीने की तैयारी करते हैं अभी।